सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोग का भाई बहुत ही गजब तरीके से फोटो एडिटिंग का जो है ट्यूटोरियल लेकर आ चुका है आप लोग के बीच में, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही गजब से सीवी फोटो एडिटिंग किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आप लोग यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेरा रियल फ़ोटो है और यहां पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ख़राब फ़ोटो, मतलब यहां पे था हम लोग का। यहां पे आप लोग देख सकते हैं V4 में एंड एडाप्टर में देख सकते हैं। बहुत ही गजब तरीके से फेस को भी स्मूथ कर दिए हैं एंड बहुत ही गजब तरीके से बैकग्राउंड को भी एडिटिंग किए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कैसे फ़ोटो एडिटिंग ऐसा करना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अरे अगर आप लोग प्लीज़ यार मेरे चैनल पर नए ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, एंड जब भी मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फ्रेंड, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग फोटो को शेयर करेंगे, जो कि यहाँ पे शेयर ऑल ऑप्शन है। शेयर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को फोटो को शेयर कर लेना है, जो कि यहाँ पे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, एंड जैसे ही आप लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों, एंड यहाँ से हम लोग का प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक नीचे जो है कि टूल्स वाला ऑप्शन है, तो टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए एक सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, तो इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ आग के पास लगा करके एंड इसको छोटा करके एंड इसका ब्राइटनेस दे देना है कुछ इतना ब्राइटनेस दे करके एंड सेचुरेशन को हल्का सा दे देना है। ठीक है दोस्तों, और नीचे देखिए एक यहाँ पे आप लोग प्लस वाला ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे देख लीजिए, प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग फिर से एक लेयर बना करके ब्राइटनेस को दे करके एंड इसके बाद सेचुरेशन को हल्का सा दे करके यहाँ से डाउन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, एंड फिर से हम लोग यहाँ पर हल्का सा दे देते हैं, जो कि यहाँ से आप लोग काट काट के देंगे तो अच्छा रहेगा, एंड यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हल्का सा दे देंगे। एंड दोस्तों, इसके बाद हम लोग यहाँ से डाउन कर लेते हैं। डाउन करने के बाद फिर से आप लोग को क्या करना है, टूल्स ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो है कि टून इमेज का ऑप्शन है, तो इस टून इमेज पे क्लिक करेंगे, हल्का सा ब्राइटनेस दे देंगे और इसके बाद हम लोग सेचुरेशन को हल्का सा प्लस करेंगे एंड एम्बुलेंस को आप लोग को 100 प्लस कर लेना है, कुछ 100 नहीं, आप लोग कुछ इतना प्लस रख सकते हैं। एंड इसके बाद हाईलाइट को आप लोग को हल्का सा माइनस कर देना है एंड इसको शैडो को आप लोग को हल्का सा प्लस करना है और नीचे की तरफ से डाउन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से V4 एंड एडाप्टर आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए आप लोग टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए डिटेल्स का ऑप्शन है, ये डिटेल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे वाले को स्प्रेनिंग को हल्का सा प्लस करके एंड फोटो को यहाँ से हम लोग को यहाँ से शेयर कर लेना है। कहाँ पर शेयर करना है दोस्तों, हम लोग को यहाँ से शेयर करना है, जो कि लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे एंड हम लोग का जो है कि प्रोसेसिंग ले रहा है, तो यहाँ से हम लोग शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर सीधे और वहाँ पे आप लोग को चल के दिखाएंगे, जो कि हम लोग का यहाँ पे ऐप्स आ चुका है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखिए हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर क्लिक कर दिए हैं, यहाँ से हम लोग फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं और चलते हैं सीधे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। क्या करना है, जैसे आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आप लोग को ऑल फोटो पर क्लिक कर देना है एंड जैसे ही ऑल फोटो पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर हम लोग का फ़ोटो जो कि सबसे ऊपर आ जाएगा, तो इस फोटो पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। एंड जैसे ही फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे एंड यहाँ से आने के बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे फ़ोटो पे किसी भी टूल्स का यूज़ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर आ जाना है, जो कि ये मेरा खुद का प्रीसेट है, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर देखिए, जो कि यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर के राइट साइड में कोने में एक 3 डॉट का ऑप्शन है, इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे देखिए कॉपी सेटिंग का ऑप्शन है, तो इस कॉपी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड जैसे ही कॉपी सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर सही का निशान है, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं एंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम लोग का जो है कि यहाँ पे प्रीसेट है जो कॉपी हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर आएंगे एंड फिर से आप लोग को 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड देखिए यहाँ पे हम लोग 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, एंड जैसे ही पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो कि शेयर वाला ऑप्शन है, तो इसे शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड दोस्तों जैसे ही शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ चुका है शेयर टू, ठीक है दोस्तों। इस शेयर टू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग शेयर टू पे क्लिक करके एंड यहाँ से हम लोग को फ़ोटो को शेयर कर लेना है कहाँ पर, जो कि शेयर करना हम लोग को पिक्सार्ट अप्लीकेशन के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो पिक्सार्ट अप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर कर लेंगे। तो दोस्तों पिक्सार्ट अप्लीकेशन के अंदर हम लोग को क्लिक कर देना है एंड पिक्सार्ट अप्लीकेशन के अंदर हम लोग को फ़ोटो को शेयर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कि हम लोग का फ़ोटो जो है कि पिक्सार्ट अप्लीकेशन के अंदर शेयर हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप लोग पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ तीसरे नंबर पर मिल जाएगा इफेक्ट का ऑप्शन, एफएक्स लिखा होगा, बड़ा सा एफएक्स लिखेगा और छोटा सा इफेक्ट लिखेगा, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा हम लोग को प्रोसेसिंग लेगा एंड थोड़ा सा वेट करेंगे तो हम लोग का इतना सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे नीचे जो है कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कलर वाला ऑप्शन पे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे लड़की का फ़ोटो बना है यहाँ पे, तो इस लड़की वाले फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही लड़की वाला फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो एक लेयर, तो दोस्तों हम लोग का ये कलर मतलब था, हम लोग ये कलर चूज़ कर लिए हैं जो कि ग्रीन कलर। तो आप लोग को फिर से क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर देखिए एक एटिक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस एटिक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड सबसे नंबर वन वाले पे क्लिक कर देना है एंड अप्लाई कर देना है सबसे नंबर वन वाले पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे नंबर वन वाले पे क्लिक किया हूँ। एंड इसके बाद आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे तो कुछ ऐसा हम लोग का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है एंड इसके बाद हम लोग को यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इरेज वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, सबसे किनारे जाएंगे तो, ठीक है दोस्तों। एंड इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से हम लोग को डन कर लेना है। एंड डन करने के बाद दोस्तों फिर से क्या करना हम लोग को, यहाँ पे जैसे ही डन करेंगे तो फिर से हम लोग को डन कर लेना है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा दोस्तों एंड थोड़ा सा मतलब हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से दोस्तों यहाँ पे जैसे आते हैं तो फिर से हम लोग को इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही करेंगे दोस्तों तो नीचे देखिए यहाँ पे ब्लर वाला ऑप्शन है, तो ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं एंड ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे नंबर वन वाले पर आप लोग को क्लिक कर देना ब्लर। एंड ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर देखिए एक इरेज वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम लोग को सबसे किनारे आ जाएंगे एकदम सबसे लास्ट में, तो बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे दोस्तों एंड इसके बाद हम लोग को यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हम लोग का शर्ट पे आ चुका है एंड इसको हाई करके आप लोग को यहाँ से इरेज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। हम इरेज कर लेते हैं, एकदम अच्छे से कर लेना आप लोग को, एकदम अच्छे से आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ से डन कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आप लोग को इस पर क्लिक करके एंड इस पर आप लोग को मतलब जितना चाहें उतना रख सकते हैं, तो मेरा कुछ इतना था तो इतना रख सकता हूँ। एंड इसको भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस जितना मतलब चाहते हैं आप लोग उतना रख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे रखना चाहते हैं। तो मैं इस पर नॉर्मल रखूँगा एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ से हल्का सा करेंगे एंड इस पर रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग यहाँ से डन कर लेंगे एंड जैसे ही डन करेंगे दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो को शेयर कर लेना है, सेव कर लेना है। एंड इसके बाद थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके शेयर कर लेना है फ़ोटो को, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर शेयर करना है, जो कि आप लोग को ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेते हैं, वहाँ पे आप लोग को फेस स्मूथ जो है कि बताएंगे एंड कैसे क्या करना है। तो यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे जो मतलब अप्लाई करने को बोलेगा तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम फिर आ चुके हैं यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मतलब पेंसिल वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आ जाएंगे हम अपने यहाँ पे इस वाले ब्रश पे, तो इस वाले ब्रश पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेटिंग देख सकते हैं, बीच वाले को 7 रखना है, नीचे वाले को 30 और ऊपर वाले को अपने हिसाब से रख लेंगे। तो ऊपर वाला जो था यही साइज था हम लोग का छोटा बड़ा करने के लिए। तो इसके बाद हम लोग को फेस को स्मूथ करना है दोस्तों एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मतलब कितने गजब तरीके से हम लोग का फेस जो है स्मूथ हो रहा है एंड बहुत ही गजब तरीके से हम लोग का फेस लग रहा है, बहुत ही खतरनाक तरीके से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं एंड बहुत ही गजब तरीके से हम लोग का फेस लग रहा है भाई, बहुत ही खतरनाक तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी ऐसा मतलब फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग भी ऐसा करिएगा, 100% आप लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो साइज़ को छोटा बढ़ के छोटा बढ़